अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। आज हम आपको मैंगो का मिल्क शेक बनाना बताएंगे। बहुत इजी है, आजकल मैंगो का सीज़न भी है, आप बहुत आराम से बना सकते हैं। तो कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, सिर्फ आपको इसमें मैंगो, शुगर, मिल्क और आइस। आइस को जब आप ना बारीक बारीक कुचल लीजिएगा, ताकि वो अच्छा, जब आप मिल्क शेक बनाएंगे तो उसमें डाल के फिर ब्लेंड करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आज आइए लीजिए चलते हैं। हमने एक जग में डाल दिया है, अभी हमने दूध दिया, दूध का हमने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये खूब अच्छा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हमने इसको निकाला और ब्लेंडर में डाला, जग में डाल दिया था। फिर उसमें हमने मैंगो को क्यूब्स कर दिए, बना के उसमें डाल दिए थे। सब डालने के बाद उसमें हमने डाल दी थी चीनी। चीनी डालने के बाद उसको हमने अच्छी तरह ब्लेंड किया था, ब्लेंड कर लिया था। तो उसके बाद अच्छी तरह ब्लेंड करना है ताकि दूध जब ठंडा होगा तो बड़ा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा झाग से बन जाते हैं, गाढ़ा बनता है, बहुत टेस्टी होता है। जब वो ब्लेंड हो जाएगा, खूब अच्छा शेक हो जाएगा, तो उसके बाद हमें उसमें डालना है बर्फ़। बर्फ़ को हमने एक किसी कपड़े में या शॉपर में लेकर खूब अच्छी तरह कुचल लिया था, बारीक कर लिया था, वो इसमें डाला था और उसके बाद हमने सर्व किया। यानी अब हमने 2 गिलास दूध का बनाया था, 2 कप दूध लिया था, तो हमने इसमें तकरीबन 3 गिलास आराम से शेक बन गया। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और हमारा पेज, अगर अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद घंटी का आइकॉन को क्लिक करिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो से आप अपडेट रहें। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि अगर आपने बनाया है तो कैसा लगा, या कोई और रेसिपी हो तो प्लीज़, ठीक है? ज़रूर, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज भी है एनजी का किचन, उसको भी आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है? चलिए।